अगर आपने हिबिस्कस की कटिंग अभी तक नहीं लगाई तो इस टाइम भी आप इनकी कटिंग जो है लगा सकते हैं। बहुत आसानी से जो है ये कटिंग जो है 15 दिनों के अंदर में जल जाती है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे जो है कटिंग लगाई थी और इनको ट्रांसप्लांट भी कर दिए थे, लेकिन एक कटिंग क्या है, उनको मैंने ग्लासेस में जो है शिफ्ट किए थे। अब टाइम आ जाता है कि हम उनको निकाल के थोड़े से बड़े कंटेनर में जो है शिफ्ट कर दे। तो दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे हिबिस्कस के ऊपर कि देखिए हिबिस्कस जो पौधा है, जो इनके फूल होते हैं, बहुत ही प्यारे, शुभ और पूजा में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने प्यारे इनके फूल लगते हैं उसमें बहुत जो है भर भर के समस्याएं भी जो है देखने को मिलती है। बेसिकली समस्याएं जो होती हैं, मिली बग का होता है, इनके जो पत्तियां होती हैं येल्लो होने लगती हैं और जो बर्ड्स बनते हैं वो गिर जाते हैं। तो इन सभी का सोल्यूशन जो है मैं ऑलरेडी जो है इस पे जो है वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये है पौधा इस टाइम पे। देखिए, अगर आपने अभी तक जो है इनकी कटिंग नहीं लगाई है, अगर कहीं और दूसरे जगह से कटिंग लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। आप अभी भी जो है इनकी कटिंग लगा सकते हैं, अभी भी जो है टाइम है। तो ये देखिए कटिंग मैंने लगाए थे। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े जो ब्रांचेस हो गए हैं, लीव्स हो गए हैं, यहाँ पे देखिए इस कटिंग में क्या है, कलियां भी आने लगी हैं, यानी कि ये फ्लावरिंग पे जो है पौधा आ गया है। तो कटिंग से लगाने से हमें यही फायदा मिलता है कि हमारे पास तो एक तो पौधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं और फूलों की जो है कमी हमें देखने को नहीं मिलती है। और तीसरा ये होता है कि बाई चांस किसी वजह से, सारा साल तो हम घर पर होते नहीं है, कभी ना कभी हम वेकेशन पे जाते हैं, तो बाय चांस अगर कोई पौधा खराब भी हो जाता है तो क्या है, हमारे पास जो है ऑलरेडी दूसरा पौधा होता है। तो इसीलिए आप इस वजह से भी जो है पौधे की जो है, अगर आपके पास पौधे हैं तो अच्छी बात है, अगर एक है तो उनसे जो है बहुत सारे जो है कटिंग बनाइए और उनसे कुछ सीखिए कि किस स्टेज पे कटिंग जो है फेल होती है। बहुत कुछ ये सब काम जो हम करते रहते हैं तो बहुत कुछ जो है हमें सीखने को ही मिलता है गार्डनिंग में। देखो दोस्तों, ये कोई नहीं है कि कोई 100% जो है परफेक्ट है। जैसे जैसे हम गार्डनिंग करते हैं वैसे वैसे गलतियां होती है, वैसे वैसे उन गलतियों पे जो हम सुधार लेते हैं और वैसे वैसे हमारी जो है एक्सपीरियंस जो है बढ़ती जाती है और वैसे वैसे जो हम बातों को जो है समझते जाते हैं। तो आज इस छोटे से ग्लासेस में देखिए, अब टाइम आ जाता है कि हम इनको निकाल के थोड़े से जो है बड़े कंटेनर में जो इनको ट्रांसप्लांट कर दे। तो ये पौधा छोटा है, अब क्या है इनको हम डायरेक्ट निकाल के बहुत सारे बड़े कंटेनर में नहीं लगा देना, उसके लिए लिमिट साइज है, यानी कि जितना बड़ा पौधा है कटिंग है उतना बड़ा ही जो हमने पॉट लिया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो गमला लिया है नर्सरी पॉट है, ये है 7 इंच का, तो इसके लिए 7 इंच अभी जो है काफी रहेगा। तो देखिये, रूट इसमें काफी अच्छे से जो है डेवलप हो गए हैं और वैसे ये नर्सरी से तो परचेज नहीं किया, कटिंग ही लगाई है। तो इनके जो मिट्टी है ज्यादा जो है ओपन करने की जरूरत है, नीचे से थोड़ी सी जो है मिट्टी को हटा देंगे और बस सेंटर में प्लेस करके अब हम लगा देंगे। और बात करें क्या है, मैंने मिट्टी जो है लिए हैं, कौन सा सोयल मीडिया लिए हैं, वो डिटेल मैं स्क्रीन पे जो है डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना। वैसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हिबिस्कस के लिए कौन सी जो है अच्छी मिट्टी होती है। तो बेसिकली आपको समझ में नहीं आया तो आप बस एक बात का ध्यान रखें, सैंड ले ले, नॉर्मल गार्डन सोयल ले ले, या फिर आप ले कंपोस्ट। सैंड की जगह पे आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों की मात्रा जो है आप इक्वल रख लीजिए। अगर फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, तो आप कंपोस्ट की भी मात्रा इक्वल रख सकते हैं। और जो फंजीसाइड है या फिर नीम खली है, चाहते हैं कि मिट्टी में कोई कीड़े मकौड़े या कोई किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह ना लगे, तो नीम खली या फंजीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। और कुछ नहीं मिलता तो सिंपल आप टर्मरिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, फाइनली जो है पौधा मेरा जो है शिफ्ट हो गया, थोड़े से बड़े कंटेनर में मैंने इनको लगा दिया। बस अभी हम पानी देंगे, मिट्टी पहले से ही बहुत गीली थी जिस कंटेनर में ये ग्लासेस में लगा हुआ था पौधा, तो इनमें क्या है पानी मैं थोड़ा ही दूंगी, ज्यादा भर के पानी नहीं दूंगी। वैसे भी रेनी सीजन का टाइम है तो कभी ना कभी जो है बारिश आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी देंगे जब हम लगा रहे हैं। तो बस फाइनल देखिए पौधा लग गया हमारा, अब इसको हम शेड में रख देंगे। वैसे भी जो ये पौधा है ग्रीन नेट के नीचे है तो डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। अब जैसे जैसे ये पौधा कम से कम 10 दिन का हो जाएगा, वैसे वैसे इनको थोड़ी सी जो है धूप में हम ले जाएंगे, ये नहीं अचानक धूप में नहीं लेके जाना है, हल्के हल्के यानी कि थोड़ी थोड़ी दिन करके जो हम इनको धूप में निकालते जाएंगे, उसके बाद फाइनली जो हम इनको प्रॉपर जो है धूप दे देंगे।
क्योंकि ये हिबिस्कस से पूरे फुल डे की सनलाइट चाहिए होता है, तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अब ये कंटेनर थोड़ा सा बड़ा हो, कंटेनर बोल रही हूँ, पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको फाइनल जो है बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वीडियो कोई स्पीक जो है स्किप नहीं है, और ड्रेनेज होल देखिए कितना अच्छा से बना हुआ, मिट्टी कितनी वेल ड्रेन है ताकि पानी जो उसमें खड़ा नहीं हुआ। तो ये है मदर प्लांट मेरा, और इसी पौधे से मैंने बहुत सारे जो है कटिंग बनाए थे। तो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि एक तो मैंने बड़े गमले में जो है शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि वो कटिंग भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अब ये कटिंग को इस कटिंग तो अभी रही नहीं, अभी ये थोड़ा सा छोटा सा नन्ना सा पौधा बन गया है। अब ये पौधा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो हम इनको फाइनल जो है बड़े गमले में जो है लगा देंगे। तो हिबिस्कस को अगर बड़े गमले में लगाते हैं तो ये अच्छे से जो है ग्रो करते हैं, अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए आप इनको हमेशा जो है जो सीमेंट वाले पॉट होते हैं उनमें लगाएं, क्ले पॉट में लगाएं, प्लास्टिक के पॉट में नहीं लगाएं। रीज़न ये होता है कि ये फुल डे का सनलाइट का पौधा है, और सारा दिन धूप में रहने की वजह से क्या है, प्लास्टिक के जो गमले होते हैं हीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके जड़ों को जो है तकलीफ होती है। तो इसीलिए आप क्ले पॉट में या जो सीमेंट के गमले आते हैं इनका जो है चुनाव करें। तो पौधा देखिए काफ़ी अच्छे से जो ग्रो कर रहा है। तो बस दोस्तों यही है कि आप एक से बहुत सारे पौधे बनाइए। कटिंग कैसे लगाए थे इस पे भी जो है मैं वीडियो जो है शेयर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं, या फिर मैं सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दूंगी, या फिर आई बटन पे आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बड़े आसानी से जो है पौधे लग सकते हैं, और हम खाद क्या दें ताकि पौधे में जो अच्छे तरीके से फ्लावरिंग हो, उसके लिए बहुत अच्छा जो है मैंने वीडियो शेयर किया है फर्टिलाइजर के ऊपर, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और जो हिबिस्कस है, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे फूल चाहिए, भारी तादाद में फूल चाहिए, तो आपको क्या है इनको महीने महीने जो खाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हैवी फीडर पौधे हैं।